दीन की सर पर आज है। बहुत से दीन है, वो तो नहीं हो रहे ना सर। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सर पर आज ही, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सर पर आज ही, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मतलब मेरी जिंदगी का हर एक मकसद तेरे दीन की सर पर आज ही होना चाहिए, तब जाकर हम तेरी जिंदगी का मकसद मेरे दीन की सर पर आज ही, मैं इसीलिए उस मुसलमान, यानी तब मैं मुसलमान बनूंगा और तब जाकर मैं एक नमाजी बनूंगा। ठीक है, नोट कर ले, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना, आज से अभी से इसी वक्त से करना शुरू करना, करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, और किसान सर का पूरा पूरा साथ देंगे और वो तमाम तंजीमों का, वो तमाम चीजों का साथ देंगे, अपने घरों से मसूरा, खास तौर पे लेडीज से अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, बड़ा अफसोस होता है कि मसूरा लेडीज बच्चियां, मतलब अल्लाह वाले इस बात पर सोचते हैं और रोते हैं कि औरतों को जो काम दिए गए थे वो औरतों ने करने छोड़ दिए। इस वक्त यहाँ पर मेरे सामने खवातीन का बड़ा मजमा है और बच्चियां हैं, मैं इसलिए इस बात को कहता हूँ बड़े दर्द के साथ, अल्लाह को राजी कर, अगर से अल्लाह ना मिला तो बच्चे भी कामयाब नहीं हो सकते, आप खुद भी कामयाब नहीं हो सकते। आप चाहते हो मेरा बच्चा दुनिया में कामयाब हो जाए, लेकिन आप भूल जाते हो कि मेरा बच्चा आखिरत में कामयाब नहीं होगा, ये आजाब बनेगा आपके लिए। आप अगर पहले पर है और ये बच्चे गुनाहों में मुलविस रहे तो लिख कर ले लीजिएगा, मुसल्लत रहेंगे आपके ऊपर आजाब कब्र के अंदर, अगर से आपने दीन तालीम न दी। और दीन तालीम फिर इंटरेस्ट नोट राइट ऑन इट, लिख लो इसको दिमागों में, नोट पैड्स में, अपने बच्चों के लिए हमें दीन की तरबियत देनी है, उनको रिप्रेजेंट करके उनको सिखाना है करके, ऐड करें नमाजों को नहीं छोड़ना है, कहीं पर भी हो शादी ब्याह में इंतजाम करो, सिस्टम बनाओ शादियों के अंदर मुसल्ला कायम करो, पढ़कर जाओ आकर पढ़ो, लेकिन नमाजों को नहीं छोड़ना है, दीन को किसी हाल में नहीं छोड़ना है। अफसोस खवातीन सीरियस नहीं होती है, अगर एक औरत बदलती है तो पूरा पूरा माशरा बदलता है, पूरा खानदान बदलता है, क्योंकि एक औरत लिटरेट होती है वो शिक्षित करती है अपने घर को, अपने नाती पोतों को, अपने पोता पोती को, वो फिर निरंतर काम करती रहती है, वो कंटिन्यूसली काम चलता रहता है। सो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको नींद तो नहीं आती, ठीक है, मैं इंशाल्लाह खत्म करता हूँ अपनी बात को, आप सब इंशाल्लाह ऐड करें, इंशाल्लाह ये करना है। ठीक है, किसान सर ने जो एनएसपी लिया है उसको पूरा सपोर्ट करना है, अपने बच्चों का एडमिशन कराना है, इन्होंने जो आगे के स्टेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह इनको कामयाब करे, अल्लाह इनको खूब कामयाब करे, अल्लाह से दुआ भी करे, हम सब दुआएं भी किया करें, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। ठीक है, और खासतौर पर यूथ, वो मेल और फीमेल कुछ भी होगा, प्लीज चिट चैट टॉपिक सर मैम ध्यान रखिए, नोट कर लें इस बात को भी कि नौजवानों से अल्लाह क्या चाहते हैं, अल्लाह क्या चाहते हैं, अल्लाह अल्लाह नौजवानों से बहुत कुछ चाहते हैं, पता है नौजवानों से सब कुछ चाहते हैं, बूढ़ों से तो लेना था वो अल्लाह ले ही लेंगे, बुढ़ापे में तो सबको मस्जिद याद आती है, तस्बीह याद आती है, जवानों से कुछ नहीं आता, उनको तो मोबाइल से कुछ नहीं, अल्लाह मेहरबान है, मुझे को पढ़ना शुरू करें और अल्लाह मेहरबान के एक एक शेर को इम्प्लीमेंट करें अपनी जिंदगी के अंदर, और सोचें कि